दोस्तों नमस्कार, क्रिकेट इंडिया की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। साल 2023 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में लगातार हमें रोमांचक महामुकाबले देखने को मिल रहे हैं, जहां पर टीम इंडिया ने भी फाइनली अपने कैंपेन का आगाज इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया मैच से कर दिया, जहां पर टीम इंडिया ने बहुत ही रोमांचक अंदाज से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज की, जिसके बाद सभी क्रिकेट फैंस को बेसब्री से टीम इंडिया के अगले महामुकाबले का इंतजार है, जहां पर भारतीय टीम अपना अगला महामुकाबले अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने वाली है। और इस वीडियो में आपको इस महामुकाबले से जुड़ी ए टू जेड हर इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जहां पर हम जानेंगे कि भाई किस तारीख को कितने बजे से कौन से स्टेडियम में हमें यह जबरदस्त महामुकाबला देखने को मिलने वाला है, पिच रिपोर्ट क्या है, वेदर रिपोर्ट क्या है, ग्राउंड के स्टैट्स के आधार पर कौन सी टीम इस महामुकाबले को जीतेगी, प्लेइंग 11 कैसी रहेगी, क्या बड़े चेंजेस यहां पर होंगे, ए टू जेड हर अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले हम मैच डिटेल्स के बारे में डिस्कशन कर लेते, तो भी आपको बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम अपना दूसरा महामुकाबला, खुद का दूसरा महामुकाबला 11 अक्टूबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेलने वाली है। मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, चलिए स्टैट्स पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हम हेड टू हेड परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत कर लेते हैं। भाई हेड टू हेड रिपोर्ट्स को आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पाएंगे, जहां पर ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में भारत और अफगानिस्तान अभी तक कुल 3 बार आमने सामने हुए हैं, जहां पर भाई 2 बार टीम इंडिया ने वन साइडेड बाजी मारी है, एक मैच यहां पर टाई रहा है अफगानिस्तान की टीम को, अभी भी यहां पर अपनी पहली जीत का इंतजार और डेफिनेटली भाई अभी उनको और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय टीम यहां पर बहुत ही जबरदस्त फॉर्म और टच में नजर आ रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। तो भी मैंने आप सभी को बताया कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हमें यह जबरदस्त महामुकाबला देखने को मिलने वाला है, और वहां की पिच का बिल्कुल अच्छी तरह से आपको पता है हाई स्कोरिंग मैचेस अक्सर हमें वहां पर देखने को मिलते हैं, थोड़ी सी बाउंड्रीज के जो साइज है, डायमेंशन है, थोड़ी सी छोटी है, जिसके चलते भाई रनों की बारिश यहां पर होती है। हाल ही में न्यूजीलैंड की टीम ने जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर करके दिखाई थी, और भाई इसके अलावा भाई आपके यहां पर साउथ अफ्रीकन टीम ने भी 400 प्लस रन यहां पर लगाए थे, जिसके चलते भाई यहां पर मतलब ये जो ग्राउंड है थोड़ा सा बैटिंग के लिए ज्यादा फ्रेंडली होने वाला, हालांकि हल्की सी मदद यहां पर स्पिनर्स को मिल सकती है, पेसर्स की यहां पर दबकर पिटाई हमें अक्सर देखने को मिलती है। भाई हम बात करते हैं वेदर फोरकास्टिंग डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों आप सभी लोग वेदर फोरकास्टिंग डिटेल्स को भी स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पाएंगे, जहां पर 11 अक्टूबर को दिल्ली का वेदर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रहने वाला है, बारिश के यहां पर किसी भी टाइप के कोई भी चांसेस नहीं, यानी भाई बारिश यहां पर किसी भी टाइप का कोई भी इंटरप्शन बनकर इस महामुकाबले में नहीं आएगी, और किसी भी टाइप की कोई भी दखल अंदाजी हमें यहां पर देखने को नहीं मिलने वाली है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ बड़े अपडेट्स के बारे में जो यहां पर दोनों ही टीमों के रिगार्डिंग निकल कर आ रही है। तो दोस्तों फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है शुभमन गिल को लेकर। जी हां, शुभमन गिल फिलहाल डेंगू का शिकार थे, जिसके चलते इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया मैच के लिए भी वो प्लेइंग 11 में सेलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं थे, लेकिन जस्ट अभी कुछ देर पहले ही बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उनकी लेटेस्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन को रिवील किया, जहां पर भाई ऐसा कंफर्म किया गया कि भाई शुभमन गिल फिलहाल रिकवर कर रहे हैं, भाई सभी को ऐसी 90-95% उम्मीद है कि इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान महामुकाबले से पहले वो यहां पर डेफिनेटली कमबैक के लिए तैयार हो जाएंगे, और ऐसे में यहां पर अगर प्लेइंग 11 में उनका कमबैक होता है तो पिछले मैच में डक करने वाले ईशान किशन हम एक बार फिर से बेंचेज पर बैठे हुए नजर आने वाले, रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल हमें यहां पर ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है भारतीय टीम के बॉलिंग डिपार्टमेंट को लेकर। जी हां, आधिकारिक तौर पर कंफर्म किया जा चुका है कि इस मैच में डेफिनेटली टीम इंडिया के बॉलिंग डिपार्टमेंट में बड़े चेंजेज होने वाले, जहां पर पिछले मैच में भारतीय टीम 3 स्पिनर्स के साथ उतरी थी, लेकिन दोस्तों अब की बार यहां पर केवल 2 स्पिनर्स के साथ उतरेगी, एक स्पिनर को प्लेइंग 11 से बाहर निकालकर उनकी जगह पर आपके प्लेइंग 11 में डेफिनेटली मोहम्मद शमी हमें कमबैक करते नजर आने वाले हैं। 3 पेसर्स यहां पर मौजूद होंगे, जहां पर भाई आपका पूरा ट्रायो मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम नजर डालते हैं इस महामुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 पर। तो सबसे पहले आप सभी लोग अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 को स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पाएंगे, जहां पर भाई अफगानिस्तान टीम की तरफ से हमें ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम जादरान,
नंबर तीन पर हमें रहमत शाह देखने को मिलेंगे। नंबर चार पर इस टीम के बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हसमुल्ला साहिदी आएंगे। नंबर पांच पर हमें नजीबुल्लाह जादरान देखने को मिलेंगे। नंबर छह पर हमें यहाँ पर मोहम्मद नबी देखने को मिलेंगे। नंबर सात पर आपके यहाँ पर एक वन ऑफ द बेस्ट टीम के ऑलराउंडर हम बोल सकते हैं, जबरदस्त गेंदबाजी भी कराते हैं, अजमतुल्लाह उमर जाई की मैं बात कर रहा हूँ। नंबर आठ पर हमें राशिद खान इस टीम की रीढ़ की हड्डी देखने को मिलेंगे। नंबर नौ पर डेफिनेटली आपके मुजीबुर रहमान होने वाले हैं। नंबर दस पर वही खिलाड़ी होगा जिसका आप सभी को इंतजार है, जी हां, नवीन उलक यहां पर होंगे विराट कोहली के सामने, तो टक्कर तगड़ी होगी। और नंबर ग्यारह पर हमें यहां पर आपके फजल अक फारूकी देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसी होने वाली इस महामुकाबले के लिए अफगानिस्तान की फाइनल प्लेइंग 11 और भारत की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को भी आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे हैं, जहां पर भाई टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे। एक छोर पर डेफिनेटली यहां पर कैप्टन रोहित शर्मा होंगे, पिछले मैच में अनलकीली डक हो गए थे, वही एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे, लेकिन दोस्तों इस मैच से उनसे काफी अच्छी एक्सपेक्टेशन है। वही दूसरे छोर पर हमें ईशान किशन या फिर शुभमन गिल, दोनों में से कोई एक खिलाड़ी देखने को मिलेगा, ज्यादा चांसेस यहां पर फिलहाल शुभमन गिल के नजर आ रहे हैं। नंबर तीन पर आपके डेफिनेटली रन मशीन विराट कोहली होंगे, जिन्होंने पिछले महामुकाबले में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस करके भारतीय टीम को रोमांचक अंदाज से जिताया था, 85-86 रन की पारी खेली थी। और भाई नंबर चार पर आपके वही डक करने वाले खिलाड़ी श्रेयस अय्यर होंगे, ऐसा शॉट उन्होंने खेला था पिछले मैच में, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। और भाई कहीं ना कहीं शूट ने भारतीय टीम को काफी ज्यादा प्रेशर में भी ला कर रख दिया था, लेकिन दोस्तों श्रेयस अय्यर हम एक बार फिर से यहाँ पर बैक करते हुए नजर आएंगे। नंबर पांच पर होंगे आपके KL कमाल लाजवाब राहुल, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया, 97 नॉट आउट की पारी खेली, भारतीय टीम को रोमांचक दास से महामुकाबले में जीत दर्ज कराई। तो भाई कहीं ना कहीं नंबर पांच उनका फिक्स है, नंबर पांच के वन ऑफ द बेस्ट ओडीआई फॉर्मेट के खिलाड़ी वो फिलहाल बन चुके हैं। नंबर छह पर हमें डेफिनेटली ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या देखने को मिलेंगे, बल्ले और गेंद दोनों से किसी भी वक्त कमाल कर सकते हैं, बल्लेबाजी बहुत जबरदस्त करते हैं, फिलहाल टाइमिंग भी अपनी दिखाते हैं, हिट्स भी लगाते हैं। और भाई गेंदबाजी में तो भाई आपको पता है ना, जो पेस वो डालते हैं, जो बाउंसर्स वो मारते हैं, वो सीरियसली काबिले तारीफ है। नंबर सात पर हमें रविंद्र जडेजा यहां पर देखने को मिलेंगे, जी हां, जडेजा डेफिनेटली का हिस्सा होंगे। और भाई पिछले मैच में जो उन्होंने फिरकी घुमाई थी ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मतलब जो उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी कराई थी ना, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो सीरियसली यहां पर कम रहने वाली है। नंबर आठ पर आपके एक और स्पिनर रविचंद्रन अश्विन होने वाले हैं, अश्विन बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है, पिछले कुछ टाइम से लगातार भारतीय टीम को विकेट्स निकाल कर ही दे रहे हैं। और नंबर 9 10 11 पर आपका पूरा ट्रायो, नंबर 9 पर मोहम्मद शमी, नंबर 10 पर आपके जसप्रीत बुमराह, नंबर 11 पर हमें मोहम्मद सिराज देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसी होने वाली इस महामुकाबले के लिए दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 यहां पर प्रिडिक्शन की बात करते हैं, तो भाई आई एम टोटली गोइंग विद इंडियन टीम। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि भारतीय टीम यहाँ पर बिल्कुल इजीली इस महामुकाबले में जीत दर्ज कर लेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी टीम बनेगी इस महामुकाबले की चैंपियन, भारत या फिर अफगानिस्तान? आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की छोड़ो मुझे इतना इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब टू क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।